बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, टाइगर फोर्स के टाइगर्स ने 1122 की ट्रेनिंग ली है, जिसके एतराफ़ में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी उन्हें असनाद तकसीम कर रहे हैं। उनके जज्बात हैं कि हम टाइगर फोर्स वाले ये ट्रेनिंग लेकर माशरे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फ़र्स्ट एड की हर जगह पर ज़रूरत होती है, टाइगर फोर्स हर जगह पर मौजूद होते हैं। कहीं भी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो टाइगर वहाँ पर मौजूद होगा और वो फ़र्स्ट एड फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचाएगा। उनसे मिलते हैं और पूछते हैं उनके क्या जज्बात हैं। चलिए, ट्रेनिंग हमने ली तो है, लेकिन बेसिकली हम जो है वो ट्रेनर्स में से भी हैं। हमने ये हेल्प करवाई थी उन बच्चों के लिए जो हमारे टाइगर फोर्स के स्टूडेंट्स थे, उनको हमने ये इसलिए हेल्प करवाई थी ताकि उनको रेस्क्यू 1122 की फ़र्स्ट एड की जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। ऐसे काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे ट्रेंड हो चुके हैं और इसमें ये है कि रेस्क्यू 1122 जब तक नहीं पहुंच सकती तो ट्रेनिंग लेके बच्चे जो है वो फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। देखें, हमारे बेशक ज़िंदगी में हो ना हो, हम तो ये करवा रहे हैं, लेकिन इससे जितने बच्चे हमारे स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो उनके लिए बड़ी ये फ़ायदा मंद है। बेसिकली टाइगर फोर्स ने जिस तरह कोरोना SOPs को इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को असिस्ट किया, इसी तरह हमने नौजवानों को जो रावलपिंडी सिटी के नौजवान हैं टाइगर फोर्स के, उनको 1122 की ट्रेनिंग कराई है 2 दिन की, जिसका मकसद ये था कि वो इंसानियत की खिदमत में, इंसानियत को यानी बचाने के लिए एक अपना रोल प्ले कर सकें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब एक इंसान की जान बचाना जो है वो इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। इसलिए जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो हमारे जब हम एक माशरे के अंदर रहते हैं तो जब भी हम 1122 को कॉल करते हैं तो गो के एक क्रेडिबल इदारा है और बहुत कम टाइम के अंदर वो वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि जितनी देर में वो पहुँचता है उतनी देर में वहाँ पे आसपास कोई भी टाइगर फोर्स का मेंबर होगा तो वो उसको फर्स्ट एड देने में जाना बहुत अहम रोल प्ले करेगा। टाइगर फोर्स के नौजवान नहीं बल्कि माशरे के हर बंदे को, जो मैं समझता हूँ इसकी अहमियत को जाना समझते हुए, हर बंदे को इसकी ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। और 1122 को भी मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं जो भी लोग उनके पास जाते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, तो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं अभी जो हमने फर्स्ट फेज़ में तकरीबन 60 के करीब जाना हमारे टाइगर फोर्स के मेंबर्स हैं, उन्होंने जाना ट्रेनिंग हासिल की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत की फलाह के लिए बहुत अहम जाना ये एक एक्टिविटी है। और मेरे ख्याल में माशरे के हर शहरी को जाना ये टाइगर फोर्स की जाना ये 1122 की जो ट्रेनिंग है वो हासिल करनी चाहिए। 1122 बहुत एक ट्रेंड लोग हैं वहाँ पे, और जो ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है टाइगर फोर्स का, उसके लिए एकदम हर तरह के लोग आ गए, तो ट्रेंड नहीं थे। तो इसी तरह फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, जो डिज़ास्टर्स आते हैं एमरजेंसी की सूरत में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो हमें रास्ता मिला वो 1122 के लोग हैं, जो ट्रेंड हैं, जो हर तरह की उन्होंने मास्टर ट्रेनिंग की हुई है। तो हमारी हमें बहुत उनसे यूज़फुल लगी है ये ट्रेनिंग, और इसको हमें अभी बल्कि और होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये 3-4 डे की थी और ये थ्री मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद ये ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि ताकि जो हम लोगों को अपनी सर्विसेज देनी है, जो खान साहब चाहते हैं कि टाइगर फोर्स हर वक्त हर तरह के हालात के लिए तैयार हों, तो वो तभी हो सकते हैं कि जब इस तरह की ट्रेनिंग्स उनके पास खुद होंगी। हमने जो ट्रेनिंग ली है 1122 की, तो इसमें हमें यह बेनिफिट्स है कि इस ट्रेनिंग के ज़रिए अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो हम किसी को अगर फर्स्ट एड देना चाहें तो हम इजीली दे सकते हैं। किसी के भी अगर हमने जान बचानी हो, अगर वहाँ पे 1122 अभी आ रही है, अगर हम वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं तो हम ताकि उसे जल्दी से जल्दी उसके साथ उसकी हेल्प आउट से कर सकें। अगर ओवरऑल हम देखें अपने अस्पतालों के हालात, एमरजेंसी की हालात, डिस्पेंसरियों के, तो वो हमारे पास इतने नहीं हैं, स्पेशली पिंडी का एरिया, यहाँ की आबादी को अगर आप देखें तो वो पॉसिबल नहीं है कि अगर इमरजेंसी हो जाती है तो फौरन वहाँ पे रेस्क्यू वाले फौरन पहुँचे। समटाइम वो बिज़ी होते हैं या रश होती है या कुछ भी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि टाइगर फोर्स, क्योंकि हमारी हर गली में हर मोहल्ले में मौजूद होती है, तो उनके पास ये ट्रेनिंग होना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि वो फौरन से जैसे कोई इमरजेंसी हुई तो उनको फ़र्स्ट एड दे देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेनिंग सब टाइगर फोर्स को लेनी चाहिए। ये भी, और दूसरा मैं समझती हूँ कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं इतने ज़्यादा, हम उसके अंदर भी अपने जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं इनकी हेल्प लें। जैसे हर जगह पुलिस नहीं होती, तो वो भी, बल्कि हर एक शहरी को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हम नज़र रखें
कौन आ रहा है, कौन जा रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, औरतों के साथ जो चीज़ें होती हैं वो हम अगर अपनी आंखें खुली रखें एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते, और स्पेशली हम इसमें ट्रेन कर दें अपने टाइगर फोर्स के बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं पाए जाएंगे किसी महल्ले में, किसी गली में, शहर में। तो ये बच्चे अगर हम इनको ट्रेन कर दें और ये बच्चे आगे से और लोगों को ट्रेन करें कि हमने एक तो फर्स्ट एड तो चलें, ये तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ही है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी को हम देखें, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से भी हम देखें कि अगर ये अपने आंखें कान खुली रखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, किसी मशकूक शख्स को देखते हैं, तो हम बहुत से जो बच्चों के साथ हादसात होते हैं, जो ख़वातीन के साथ, जो बच्चियों के साथ हादसात होते हैं, हम उनसे भी बच सकते हैं। सो हम अगर इनको, ये जो इमरान खान एक बहुत दूरअंदेश लीडर हैं, जो चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया, अगर हम इसको प्रॉपर और इन बच्चों को प्रॉपर और अच्छे तरीके से इनको ट्रेनिंग दें तो इससे पूरे मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसमें हमने जो चीज़ें सीखी हैं, हम किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो है हम वहाँ पे टाइगर फोर्स रोल प्ले कर सकती है। खुदा ना खास्ता को फ्लड आ जाता है या कोई धमाका हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सूरत में ये है कि हम वहाँ पे मौके पे पहुँच के जो है जब तक 112 की गाड़ियाँ आती या कोई फर्स्ट एड मिलती, हम जो है वहाँ पे बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। हमें सारी चीज़ें गाइडलाइन दी गई हैं इस हवाले से। ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो इसमें रोल का इस तरह है कि सर बेसिक नॉलेज जो होता है कि आपने किस तरह खुदा ना खासा को इंसिडेंट हो जाता है तो आपने किस तरह लोगों को उठाना है, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना है, उनको फर्स्ट एड कैसे देनी है, किसी बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है तो किस तरह आपने उसको जो है फर्स्ट एड देनी है, या कोई भी मामला यानी कोई भी इमरजेंसी, कोई भी सूरत हाल हो, फ्लड आ जाता है, आपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे लोगों को ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है हिफाजती जो भी इकदाम होते हैं उस हवाले से हमें ब्रीफ किया गया और हम इंशाल्लाह भरपूर रोल प्ले करेंगे। हमें एक फ़ोर्स का नाम दिया गया है और आप जानते हैं कि वो टाइगर फोर्स है, और टाइगर फोर्स वो फोर्स है जो वॉलंटियर हुकूमत की तरफ से नामजद की गई है, उसमें कोई हमने पार्टी और कोई सियासत का कोई हिस्सा नहीं बनाया, सब वॉलंटियर्स हैं और काम कर रहे हैं। इसके साथ हमने उनको हर तरह की सहूलियात आवाम तक पहुँचाने के लिए इस फोर्स को हम लोगों को इस फोर्स में शामिल किया गया है। अब इसमें एक और अलावा इसको बढ़ा दिया गया है तरीके को कि हमने 112 की ट्रेनिंग ले ली है, इसलिए कि एट अ टाइम अगर ऑन द स्पॉट अगर कोरोना के दौरान किसी भी बंदे को इस तरह की कोई सहूलत अगर चाहिए हो, या एट अ टाइम ऑन द स्पॉट रोड पे कोई ऐसा हो जाए, कोई हादसे हो जाते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं ऐसे कोई हादसा हो जाते हैं, तो उसमें टाइगर फोर्स अपना एक और नया किरदार भी इसमें हिस्सा डालेगी, और इंशाल्लाह ताला ये फोर्स भरपूर तरीके से काम करेगी और पाकिस्तान में इस फोर्स का एक नाम होगा, एक मकाम होगा। और हम अपने खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और इंशाल्लाह हम ये काम करके दिखाएंगे। ये ट्रेनिंग आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने सटलर टाउन में गवर्नमेंट मिलिया इस्लामी स्कूल था वहाँ पे डीसी साहब की तरफ से ये रेस्क्यू 112 के आए थे, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी कि कैसे जो है वो लोगों की जो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसा मसला, मिसाल किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कैसे बचाया जा सकता है। तो एज अ टाइगर फोर्स के मेम्बर हमने ये ट्रेनिंग ली है इनसे, और ये इसलिए लिए कि खुदा ना खास्ता हमारे सामने कहीं पे भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अगर 112 को कॉल की जाए तो उनके आने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं अक्सर। तो हमने ये ट्रेनिंग इसलिए ली है ताकि हम उस दौरान इसको हम कर सकें, और जो हमें सिखाया गया है वो हम उसी टाइम उसको फर्स्ट एड दें ताकि उनके आने से पहले पहले जो इंसिडेंट हुआ है उसको हम रिकवर कर सकें। जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो टाइगर फोर्स के रजाकार हैं वो हर गली गली मौजूद हैं और उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल हो जाती है तो उससे फौरी तौर पर वो निमट सकते हैं। जब तक हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो नहीं आती हैं, उनके पहुँचने से पहले पहले जो फर्स्ट एड है वो लोगों को दे सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ये जो हमारे तीनों सर्कल्स बन रहे हैं, सिटी का, कैंट का और सदर का, इसके रजाकारों को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, और सिर्फ रावलपिंडी में नहीं, इन ट्रेनिंग्स का तमाम जो है अब पूरे तकरीबन ऑल ओवर कंट्री किया जा रहा है कि उनको मुख्तलिफ महकमों के तहत फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। अब हम लाइफ में कोई भी स्किल सीखते हैं तो वो हमारे काम आता है, तो ये तो फिर एक डिफेंस की बात है, सेल्फ डिफेंस है, या आपने लोगों की लाइफ को जो है वो सेव करना है,
तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि हर पाकिस्तानी को ये सीखनी चाहिए कि आप अपनी सेल्फ का तो डिफेंस करते ही करते हैं, आप जो है सोसाइटी को भी जो है वो अपने इन इस जो जो स्किल ये जो सीखते हैं आप इसे उनको भी जो है वो डिफेंड करते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक डिज़ास्टर या उस ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि उसी में आप कर सकते हैं, ये किसी भी किस्म का डिज़ास्टर हो या किसी कोई भी हंगामी हालत हो आप वहाँ जो लोग हैं उनको सेव कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हर तरह के हंगामी हालात से जो है वो आप निपट सकते हैं। कहने को तो ये 4 दिन की ट्रेनिंग थी लेकिन इसमें बहुत मुख्तलिफ तरीके के जो हैं वो हमें तरीक़ों से सिखाया गया कि अपने फ्लड में क्या करना है, जब फायर हो आपने क्या करना है, जब कोई डिज़ास्टर होता है जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तब आपने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही कारामद जो है एक ट्रेनिंग हुई है हमारी और सोसाइटी में इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो है रावलपिंडी की जो मीडिया टीम है टाइगर फोर्स की, उसका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि इन्होंने रावलपिंडी के अंदर जो है वो टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया और उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो है वो ट्रेनिंग कराई। बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और किसी भी स्टेज पर हम ये सोचें कि कोई डिज़ास्टर आएगा तो हम ये ट्रेनिंग करें या उसकी अहमियत का हमें तब पता चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम डे टू डे घर के अंदर या हम घर से बाहर निकलते हैं सड़क पे, हम डे टू डे जो है वो इमरजेंसीज देख रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं और हम रिस्क पे होते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं मींस कि आप रिस्क पे जा रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक जैम हो जाता है या किसी भी किस्म का कोई आप मतलब अपने लेन में जा रहे हो लेकिन कोई बंदा गलत लेन में भी आके आपको टक्कर मार देगा तो आप वेट करें कि जी रेस्क्यू 112 या कोई भी सर्विस आएगी। अगर आपके आसपास लोग जो है वो ट्रेंड हुए हुए होंगे तो वो अपनी मदद आपके तहत इनिशियली आपको मैनेज कर लेंगे और अल्टीमेटली जो है वो सर्विसेज को कॉल करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अगर यंग जनरेशन इसको मतलब इसकी अहमियत को समझे तो ये हर घर की इस वक्त ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त खुशी हो रही है ये देख के कि बच्चियों ने इसमें जो है वो एक बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मेल जो हैं वो अगर उनको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो दोस्तों को कॉल कर लेते हैं या किसी को भी, तो घर में जो क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स हमारी हाउसवाइफ होती हैं तो उनके लिए जो है ना ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो अपनी मदद आपके तहत घर के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको मैनेज कर सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं चाहूँगी कि क्योंकि हमारा अब कर्ट चैलेंज होने वाला है जो कि पूरे जो है वो पंजाब का होता है और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट की टीम जाती है, तो हम इस टीम को जो है ना वो ज़रूर इंशाल्लाह जो है पंजाब लेवल पे लेके जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और टाइगर फोर्स के टाइगर्स के जज्बात भी देखे। उनका कहना है कि वो मुल्क और कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग हर पाकिस्तानी को हासिल करनी चाहिए। आप भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।